Hi guys, this is me Saurabh. So guys, आज की वीडियो का टॉपिक है how to protect your knees. हम अपनी knees को कैसे protect कर सकते हैं. But before starting this video, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे या आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक रेड कलर का बटन होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब. आप वहां जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नी और उसका क्या फंक्शन होता है. गाइज, नी हमारी बॉडी का एक सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है. ये हमारी थाई बोन और शिन बोन को कनेक्ट करता है और इस ज्वाइंट का सबसे मेन फंक्शन होता है कि ये हमारे लोअर लेग और फुट को इजिली स्विंग करता है जिसके कारण हम वॉक कर पाते हैं, जिसके कारण हम रन कर पाते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर पाते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं नी ज्वाइंट को सबसे ज्यादा कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं. सबसे पहली चीज जो नी ज्वाइंट को इफेक्ट करती है वो है ओवर वेट. जितना ज्यादा आपका वेट होगा उतना ज्यादा आपका प्रेशर पड़ेगा नी ज्वाइंट के ऊपर. गाइस, फॉर एवरी एक्स्ट्रा पाउंड आपकी नी झेलती है 5 पाउंड एक्स्ट्रा वेट, जिसका मतलब है कि आपके रिकमेंडेड वेट से जितना वेट आपका ज्यादा होगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना ज्यादा वेट आपकी नी झेलेगी. दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इसको इफेक्ट करती है ओवर एक्सरसाइजिंग. लाइक अगर आपकी बॉडी को नीड है 4 to 5 days ट्रेन करने की, बट आप उसको हर रोज ट्रेन कर रहे हो जिसकी वजह से ओवर एक्सरसाइजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता. तो सबसे ज्यादा उसके कारण जो इफेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके ज्वाइंट्स. लास्ट थिंग सबसे ज्यादा जो नी ज्वाइंट को इफेक्ट करती है वो है इम्प्रॉपर फॉर्म while doing leg exercises. जब भी आप squats लगाते हो, जब भी आप leg press करते हो या lunges करते हो, जब कोई भी leg की exercise करते हो, आपको होना चाहिए कि आपकी proper form हो तभी आप weight increase करो. अगर आपकी form proper नहीं है और आप overload करे जा रहे हो तो वो आपके joints bear कर रहे हैं और एक time ऐसा आएगा कि वो joints bear नहीं कर पाएंगे तो वो damage हो जाएंगे. अब बात करते हैं how to protect it. सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है active rest. active rest का मतलब होता है कि आपने अगर आज लेग की एक्सरसाइज करी है और आपको पता है कि आपकी बॉडी सोर है तो आप कल ट्रेन नहीं करोगे. आप कल क्या करोगे, एक्टिव रेस्ट में या तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो या योगा कर सकते हो या वॉक कर सकते हो. आप ऐसी कोई एक्सरसाइज कर सकते हो जो हाई इंटेंसिटी ना हो या जिसमें ज्यादा वेट इंक्लूड ना हो, वो एक्सरसाइज कर सकते हो जो ईजी भी हो, जिससे आपका ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में अच्छी तरह चलता रहे. सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हो वो है पुट आइस ऑन इट. अगर आपको लगता है कि वर्कआउट के बाद आपका मसल कुछ ज्यादा सोर हो गया है या आपको थोड़ा बहुत पेन महसूस हो रहा है उस जॉइंट में, तो आप वहां पे एक आइस पैक लगा सकते हो जिसके कारण वो जो पेन है वो कम हो पाए. नेक्स्ट थिंग जो आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो वो है यूजिंग नी पैड्स. नी पैड्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हैवी वेट्स यूज करते हैं, क्योंकि नी पैड्स आपके ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्पफुल होता है. और लास्ट थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है टू प्रोटेक्ट योर नीज इज वार्म अप. अगर आप कोई भी लेग्स एक्सरसाइज कर रहे हो या आप वो एक्सरसाइज करने जा रहे हो जिसमें आपके नी ज्वाइंट का यूज हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना है. 10 टू 15 मिनट्स का कम से कम वार्म अप करना है ताकि आपके वो नीज वार्म अप हो जाए, ताकि वो उस वेट के लिए रेडी हो जाए बियर करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए. अब बात करते हैं सप्लीमेंटेशन की, कि आप कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो या आप अगर आपकी कोई नी डैमेज हो गई है तो आप इसको कैसे हेल्दी बना सकते हो. सबसे पहला जो फैटी एसिड है वो है ग्लूकोज अमीन. ये क्या करता है, ये हमारे कार्टिलेज को वियर और टीयर करने से प्रिवेंट करता है. और दूसरा जो इसका मेन फंक्शन होता है, ये हमारी बोन को रीबिल्ड करने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट थिंग जो आप ले सकते हो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. ये भी हमारे कार्टिलेज को प्रिवेंट करता है, उसको वियर एंड टीयर से प्रिवेंट करता है और साथ के साथ ये हमारे जो ज्वाइंट्स में पेन होता है, अगर हमने कुछ ज्यादा वेट बियर कर लिया है या हमारा ओवर वेट है उसके कारण अगर हमारे ज्वाइंट्स में पेन होता है तो उसको भी रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए. नेक्स्ट थिंग जो आप कंज्यूम कर सकते हो वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी काफी हेल्पफुल है आपके नीज में, नीज के पेन को कम करने के लिए. साथ के साथ ये ऐसे एंजाइम्स आपकी बॉडी से कम करते हैं जो आपके जॉइंट्स में पेन क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट सप्लीमेंट जो आप ले सकते हो वो है कैल्शियम. कैल्शियम आजकल बहुत से लोगों की बॉडी से बहुत कम होता जा रहा है और हमारे मिल्क के अंदर भी इतना कैल्शियम नहीं होता और बहुत से लोगों की बॉडीज लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई है जिसके कारण हम मिल्क भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते. तो अगर हो सके तो आप कैल्शियम भी अपने सप्लीमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो जिससे आपको प्रॉपर कैल्शियम मिल पाए ताकि आप रीबिल्ड कर पाओ बोन को. नेक्स्ट थिंग जो आप ले सकते हो वो है विटामिन सी. ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. ये आपके लिगामेंट टिश्यूज जॉइंट्स सबको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है और ये आपकी बॉडी में कोलेजन बनाता है जिसके कारण आपके मसल्स फ्लेक्सिबल हो पाते हैं. और लास्ट सप्लीमेंट जो आप ले सकते हो है जेलेटिन. जेलेटिन को नीज के लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है. ये एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है जिसके कारण आपके जो बोन टिश्यूज है उसमें वियर एंड टीयर होने के कम चांसेस हो जाते हैं. तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. इन सारे टिप्स को आप यूज करके अपने नी को हेल्दी बना पाओगे और फ्यूचर में आप ऐसी इंजरीज को प्रिवेंट कर पाओगे जो आपको हो सकती है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक.